हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू योर इंग्लिश कोच। माय नेम इज अशोक कुमार और दोस्तों आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों हम शेयर कर रहे हैं 10 सुपर वर्ड्स जो आपकी मदद करेंगे आईएलटीएस स्पीकिंग और राइटिंग में बैंड 7+ एक्वायर करने में। अगर आपका टारगेट 7+ बैंड एक्वायर करना है आईएलटीएस स्पीकिंग और राइटिंग में तो इन वर्ड्स को जो आज की इस वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं उनको अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप इन वर्ड्स को ग्रामेटिकली appropriately अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में यूज करते हो देन आई गारंटी यू योर स्कोर विल बी 7+। लेकिन दोस्तों कंडीशन वही है, आपको ग्रामेटिकली और appropriately ये वर्ड्स यूज करने आने चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप कैसे इन वर्ड्स को अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में यूज कर सकते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद पक्का आप इन वर्ड्स को आराम से अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में यूज कर पाओगे और अच्छा बैंड स्कोर कर पाओगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला वर्ड है अबस्टेन। अबस्टेन के साथ हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन फ्रॉम, तो पूरा वर्ड बना अबस्टेन फ्रॉम। अबस्टेन फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना या दूरी बनाना। यू शुड अबस्टेन फ्रॉम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहना चाहिए। एग्जाम्पल टू, यंग बॉयज एंड गर्ल्स अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी सो दे कुड फोकस ऑन देयर स्टडी। जो यंग बॉयज और गर्ल्स हैं उनको बैड कंपनी से दूर रहते हैं कि वो अपनी स्टडी पर फोकस कर सके। तो दोस्तों अब्सटेन फ्रॉम का मतलब होता है दूर रहना या दूरी बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आई अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी, मैं बुरी कंपनी से दूर रहता हूँ। इंडिया अब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट चाइना, इंडिया अब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट चाइना। Young boys and girls should abstain from bad activities. You should abstain from illegal activities. Okay, abstain from word को यूज कर सकते हो। तो abstain from का मतलब होता है दूर रहना, किसी भी गलत एक्टिविटी से या काम से दूर रहना। I abstain from bad company. I abstain from illegal activities. चलिए दोस्तों चलते हैं वर्ड नंबर टू पर। हमारा वर्ड नंबर टू है सफ़र फ्रॉम। सफ़र फ्रॉम का मतलब होता है पीड़ित होना या किसी बीमारी से जूझना। मैनी पीपल इन वेस्टर्न नेशंस सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एंड अदर डिजीज। वेस्टर्न नेशंस में बहुत से लोग मोटापे और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। एग्जाम्पल टू, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। मैनी पीपल इन इंडिया सफ़र फ्रॉम कैंसर, राइट, बहुत से लोग इंडिया में वो कैंसर से पीड़ित हैं। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर ए डेकेड, वह एक दशक से कैंसर से जूझ रहा है। यू शुड टेक मेडिसिन अदरवाइज यू विल सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज अलॉट। इस तरीके से आप सफ़र फ्रॉम वर्ड का यूज कर सकते हो। सफ़र फ्रॉम को आप फाइनेंशियल नुकसान के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए ह्यूज लॉस या आई हैव सफर्ड ए ह्यूज लॉस इन माई लाइफ, राइट। सफ़र फ्रॉम को आप फाइनेंशियल या किसी दूसरे नुकसान के लिए भी यूज कर सकते हो। मेनली इसका यूज जब आप किसी बीमारी से पीड़ित हो या किसी चीज़ से जूझ रहे हो उसके लिए करते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं वर्ड नंबर थ्री पर। हमारा वर्ड नंबर थ्री है ऑप्ट टू। ऑप्ट टू का मतलब होता है चुनना। इसको आप चूज की जगह पर यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, यंग मैन एंड वुमेन ऑप्ट टू लिव इन डेवलप्ड सिटीज इंस्टेड रूरल एरियाज। जो यंग मैन और वुमेन है वो डेवलप्ड सिटी में रहना चूज करते हैं बजाय ग्रामीण एरिया के, दूसरा एग्जाम्पल, सी ऑप्टेड टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज देन मैथ। उसने इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करना चूज किया मैथ की बजाय। जब भी आपको चुनाव की बात करनी पड़ जाए या चूज वर्ड यूज करना पड़ जाए तो उसके लिए दोस्तों आप ऑप्ट टू का यूज करें। आई ऑप्ट टू स्टडी मैथ्स देन इंग्लिश। मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम एशियन कंट्री चूज टू स्टडी इन वेस्टर्न नेशंस। यहाँ पे हमने चूज टू का यूज किया है तो आपको क्या करना है, चूज टू को हटा के वहाँ पे ऑप्ट टू का यूज कर दीजिए। कैसे, मैनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम एशियन कंट्रीज ऑप्ट टू स्टडी इन वेस्टर्न कंट्रीज या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ऑप्ट टू का यूज करते हैं दोस्तों हम चूज करने के लिए। ऑप्ट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलिए दोस्तों चलते हैं वर्ड नंबर फोर पर। वर्ड नंबर फोर है दोस्तों कोप विद। कोप विद का मतलब होता है संघर्ष करना या डील करना किसी मुश्किल सिचुएशन के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे, सिंगल मदर्स कोप विद देयर चिल्ड्रन एंड वर्क। एग्जाम्पल टू,
यंग पीपल हैव टू कोप विद पीयर प्रेशर एंड प्रोजेक्ट डेडलाइंस इन बिग कंपनीज। जो यंग लोग हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है या डील करना पड़ता है पीयर प्रेशर, मतलब कि उनके सीनियर्स के प्रेशर से और प्रोजेक्ट डेडलाइन से, कहाँ पे, इन बिग कंपनीज। आई कोप विद मेंटल स्ट्रगल, आई कोप विद क्रॉनिकल डिजीज, मैनी पीपल कोप विद डे टू डे स्ट्रगल। इस तरीके से कोप विद को आप यूज कर सकते हो स्ट्रगल की जगह या किसी मुश्किल सिचुएशंस को डील करने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं वर्ड नंबर 5 पर। वर्ड नंबर 5, प्रवेल ओवर। प्रवेल ओवर का मतलब होता है काबू पा लेना, जीत लेना या संख्या में ज़्यादा होना। एग्जाम्पल देखिए, द एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रवेल ओवर इट्स नेगेटिव आस्पेक्ट्स। अब देखिए हमने प्रवेल ओवर वर्ड को यहाँ पे कैसे यूज किया है, द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रवेल ओवर इट्स नेगेटिव आस्पेक्ट्स। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के फायदे हैं वो प्रवेल कर लेते हैं इसके नेगेटिव आस्पेक्ट को, मतलब कि काबू कर लेते हैं उन पे, जीत पा लेते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं। गुड प्रवेल्स ओवर इविल, जो अच्छाई है बुराई पर काबू पा लेती है। तो प्रवेल ओवर किसी चीज़ पर काबू पा लेना। चाइना सीम्स टू प्रवेल ओवर द वर्ल्ड, राइट। COVID-19 seems to prevail over the entire community, right? Prevail over means किसी चीज पर काबू पा लेना, उस पर जीत पा लेना। चलिए दोस्तों चलते हैं वर्ड नंबर 6 पर। दोस्तों अपना वर्ड नंबर 6 है aim to, लक्ष्य होना या उद्देश्य होना या बताना। The study aims to provide cheaper healthcare services. इस स्टडी का जो लक्ष्य है वो सस्ती healthcare service provide करना है। The following essay aims to explore the both perspectives in depth. जो following essay है उसका उद्देश्य ये है कि दोनों जो perspectives हैं उनको depth में explore करना। I aim to help you score band high in IELTS examination. You should aim to work hard and succeed. Many young boys and girls aim to be successful in their life. Many young people in India aim to study abroad. तो aim to का मतलब होता है कोई उद्देश्य होना या उद्देश्य बताना। चलिए दोस्तों चलते हैं वर्ड नंबर 7 पर। हमारा वर्ड नंबर 7 है इंडिकेट, दर्शाना, दिखाना या इशारा करना। यह वर्ड आप बहुत बार यूज कर चुके होंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, द गिवन डाटा इंडिकेट्स दैट द कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल्स इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2010। जो डाटा है वो इशारा करता है या शो करता है, दिखाता है कंजप्शन ऑफ क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल की खपत है वो 10% बढ़ी, कब, 2010 में। अगला एग्जांपल देखिए, ए रिसेंट स्टडी इंडिकेटेड दैट पीपल इन एशियन कंट्रीज सफर फ्रॉम कैंसर एंड अदर इनक्यूरेबल डिजीज। जो रिसेंट स्टडी है उसने बताया या दिखाया कि जो एशियन कंट्री में लोग हैं वो कैंसर और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं। इंडिकेट का मतलब होता है दोस्तों शो करना। द रिसेंट रिसर्च इंडिकेटेड दैट COVID-19 विल बी ओवर बाय 2 ईयर्स। इट इंडिकेटेड दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म मैनी पीपल। तो इंडिकेट का मतलब होता है शो करना, दर्शाना या इशारा करना। चलिए चलते हैं दोस्तों वर्ड नंबर 8 पर। वर्ड नंबर 8 होता है दोस्तों मिटिगेट, कम करना, किसी भी चीज़ का प्रभाव या पीड़ा उसको कम करना। एग्जाम्पल देखिए, द गवर्नमेंट्स एंड सिविलियंस मस्ट वर्क टुगेदर टू मिटिगेट कार्बन इमिजन। जो लोग हैं और सरकार को इकट्ठा काम करना चाहिए कार्बन इमिजन को कम करने के लिए। वी शुड यूज लेस ट्रांसपोर्टेशन टू मिटिगेट द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पीपल शुड नॉट यूज पर्सनल व्हीकल्स टू मिटिगेट द पोल्यूशन अराउंड अस, राइट। तो मिटिगेट का मतलब है दोस्तों कम करना, किसी चीज़ के प्रभाव को, किसी चीज़ के नुकसान को कम करना। लाइक एज यू आर सफरिंग फ्रॉम ए हेडेक यू शुड टेक मेडिसिन, योर हेडेक विल बी मिटिगेटेड, राइट। तो कम करना, किसी चीज़ के प्रभाव को, किसी चीज़ की पीड़ा को कम करना। चलिए दोस्तों चलते हैं वर्ड नंबर 9 पर। हमारा वर्ड नंबर 9 है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है करना या पूरा करना। रीडिंग में यह वर्ड आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, मैनी स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ COVID-19। बहुत सी स्टडीज कंडक्ट की जा चुकी है COVID-19 के सॉल्यूशन को पाने के लिए। ए ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स विल कंडक्ट ए रिसर्च ऑन न्यू वेरियंट ऑफ वायरस। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जो एक ग्रुप है वो एक रिसर्च कंडक्ट करेगा न्यू वेरियंट को ढूंढने में, राइट। मैनी स्टडीज आर कंडक्टेड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ COVID-19। ओके, आई विल कंडक्ट ए स्टडी
to find why students fail in IELTS. Many research and studies have been conducted to find the reason why student commit suicide. Right? तो conduct का मतलब हो गया दोस्तों करना या पूरा करना. चलिए चलते हैं दोस्तों word number 10. दोस्तों word number 10 है influence. Influence का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना. My mother has influenced my ideology. मेरी माँ ने मेरी विचारधारा को प्रभावित किया है. The changing environmental conditions influence the health of people. जो changing environmental conditions हैं वो लोगों की health को प्रभावित करती है. Advertisements influence the buying and selling behavior. जो advertisement है buying और selling behavior को प्रभावित करती है. Big companies use video to influence the buying behavior of people. Right? तो इस तरीके से आप influence word का use कर सकते. उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने ये 10 के 10 वर्ड्स बड़े अच्छे से सीख लिए हैं. अगर कोई वर्ड आपको समझ में ना आया हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि हर वर्ड क्लियर आपके माइंड में हो जाए. आई होप दैट यू हैव इन्जॉयड दिस वीडियो एंड दिस वीडियो हैज़ बेनिफिटेड यू समवेयर. दोस्तों अगर इन सभी वर्ड्स को आप अच्छे से सीख कर अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आप कंफर्टेबली इनको अपने एग्जाम में यूज कर पाओगे. ये वर्ड्स बहुत ही कमाल के हैं. अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं. अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे. सो यू कुड स्कोर हाई इन योर आईएलटीएस एग्जामिनेशन. अगर आपकी कोई सजेशन है, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद अस, बिकॉज वी आर ओपन टू कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम.